नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। चुनाव के पहले सीएम बदल दो और चुनाव में क्लीन स्वीप। पिछले कुछ सालों में बीजेपी लगातार ये फॉर्मूला आजमाती रही है और कई बार इस फॉर्मूले में कामयाब भी रही है, लेकिन कर्नाटक में पिछले साल ये फॉर्मूला फेल हो गया है। क्या चुनाव के मौके पर सीएम बदलकर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की काट खोजती है? सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं। साल 2021 गुजरात में विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने। नतीजा, गुजरात विधानसभा में बीजेपी की बड़ी जीत। अब कर्नाटक की बात करें तो बीएस येदुरप्पा मुख्यमंत्री पद से हटाए गए और बासवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने। नतीजा, 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार। साल 2024 हरियाणा में अगर हम देखें तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। नतीजा, इंतजार। ये तीन उदाहरण हैं देश के तीन प्रमुख राज्यों के जब बीजेपी ने चुनाव के ऐन मौके पर अपना कप्तान बदल दिया है। वैसे तो त्रिपुरा भी इस लिस्ट में है जब बिप्लव देव को चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। ज्यादातर मौके पर बीजेपी को इस प्रयोग में सफलता मिली है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी का ये प्रयोग फेल रहा। पिछले साल कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में उसे कांग्रेस के हाथों मात खानी पड़ी। अब हरियाणा में बीजेपी के नए प्रयोग के नतीजों का इंतजार है। कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जबकि इसी साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। ये उस बीजेपी का हाल है जो कहती है कि उसके खिलाफ देश में कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो बीजेपी जो हर जगह मोदी की गारंटी का वादा करती है, लेकिन चुनाव में जब मुख्यमंत्रियों से उनके काम का हिसाब मांगने की जनता की बारी आती है तो वो कप्तान ही बदल देती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ही लीजिए। खट्टर को अचानक 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जबकि उसके एक दिन पहले यानी 11 मार्च को गुरुग्राम में प्रधानमंत्री मोदी खट्टर की तारीफों के पुल बांध रहे थे। उन्हें हरियाणा के विकास का नायक और अपना सच्चा दोस्त बता रहे थे। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। बीजेपी के पास बड़ी चुनावी मशीनरी है, लाखों कार्यकर्ता हैं, बैंकिंग के लिए संघ परिवार जैसा संगठन है। बीजेपी 2400 घंटे चुनाव के बारे में सोचने वाली पार्टी कही जाती है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को हरियाणा में अंदर खाने से कुछ ऐसी जानकारियां जरूर मिल रही होंगी जिसमें खट्टर के नेतृत्व में चुनाव में नुकसान होने का डर सता रहा होगा। पंजाब हरियाणा की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों की सहभागिता भी देखी जा रही थी। बीजेपी को इसका भी अंदाजा रहा होगा। हरियाणा के जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। नया सीएम बनाने के साथ ही बीजेपी ने जाट नेता दुष्यंत चौटाला से भी पीछा छुड़ा लिया है। बीजेपी के हरियाणा अध्याय के पीछे जाति राजनीति को भी साधने की कोशिश मानी जा रही है। बीजेपी शायद ये मानकर चल रही है कि अगर जाट बहुल राज्य में जाटों की नाराजगी का चुनाव में नुकसान होता है तो उसे दूसरी जातियों के वोट बैंक के सहारे भरपाई उसकी कर ली जाए। नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी को गैर जाट और ओबीसी मतदाताओं को खुश करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा ये खट्टर के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने का भी एक प्रयास है जो 2014 से सत्ता में थे। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय राज्य की आबादी का लगभग 20-25% है। बीजेपी को डर था कि जाट समुदाय का समर्थन मोटे तौर पर कांग्रेस, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD को मिल सकता है। बीजेपी वैसे तो मोटे तौर पर कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रही है।
वो जातीय राजनीति को खत्म करना चाहती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। चुनाव में जाति के अलावा सभी समीकरणों का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी तो खुद संसद में अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी नेता बता चुके हैं। हरियाणा में ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बीजेपी को ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने में मदद मिल सकती है। उसे ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों के भीतर उपजातियों का समर्थन मिल सकता है। सैनी राज्य में 8% ओबीसी समुदाय पर मजबूत पकड़ रखते हैं। वो राज्य में चुनाव होने तक 7 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। सैनी जाति की कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी जिलों में अच्छी खासी आबादी है। तो हरियाणा के उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य में अगर खट्टर और बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थोड़ी बहुत पनप रही थी तो उसे नए बदलाव के साथ काट दिया गया है। लेकिन ये प्रयोग हमेशा कामयाब हो ऐसा नहीं है। इस शो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कर्नाटक में बीजेपी ने येदुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। तब भी बीजेपी की यही रणनीति थी कि येदुरप्पा और बीजेपी के खिलाफ पनपी एंटी इनकम्बेंसी को बसवराज बोम्मई काट देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया तो बीजेपी ने पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपना सबसे बड़ा हथियार यानी हिंदुत्व कार्ड चल दिया। कर्नाटक को एक मान्यता के मुताबिक हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जी को ही कर्नाटक चुनाव में मुद्दा बना दिया। हालात यहां तक हो गए थे कि प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में कह रहे थे कि जब आप ईवीएम का बटन दबाएं तो जय बजरंगबली बोलें। लेकिन बीजेपी के महाप्रचार के बावजूद ये कार्ड भी नहीं चला और कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता चली गई। पहली बात तो बीजेपी कभी मानेगी ही नहीं कि वो एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए चुनाव के मौके पर सीएम बदलती है। दूसरी बात ये कि जिन मुख्यमंत्री जी ने राज चलाया वो चुनाव के मौके पर जवाबदेही से बच जाते हैं। वैसे भी इस समय सभी कुछ तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कंधों पर है। मोदी जी बीजेपी और मुख्यमंत्रियों के नहीं बल्कि अपने नाम पर वोट मांगते हैं। मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो हरियाणा और बाकी राज्यों के उदाहरणों से आप खुद समझ लीजिए कि इस तरह के प्रयोगों से ताकतवर सरकार क्या बताना चाहती है और क्या छुपाना। सियासी नुक्ता विद्वक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।